बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स को शार्पन अप करने के लिए ताकि वो अच्छे से अपनी डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर पाए इंडिपेंडेंटली हमें फिंगर डेक्सटेरिटी पे काम करना पड़ता है अगर बच्चे की हैंड राइटिंग हमें अच्छी चाहिए या उसको राइटिंग स्किल्स में इंप्रूव करना है तो फिंगर डेक्सटैरिटी चाहिए इसी तरह से पेंटिंग ड्राॅइंग शू लेसिंग बटनिंग जितनी भी ये फाइन मोटर स्किल्स हैं उसमें हमें फिंगर डेक्सटैरिटी इम्प्रूव करना है बच्चे का सो so दैट वो टास्क ईजिली एंड इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर पाए तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे वॉट इज फिंगर डेक्सटेरिटी और उसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं हाय मेरा नाम ऋचा जैन है वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज तो फिंगर डेक्सटेरिटी इट्स अ वेरी न्यू वर्ड आई डोंट थिंक सो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा बट फिंगर डेक्सटेरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और चीज है जिसपे हमें बच्चों के साथ काम करना चाहिए फिंगर डेक्सटेरिटी मतलब कि फिंगर्स को राइट right टाइम पे राइट right तरीके से सही तरीके से और उसी राइट right प्लेस पे कैसे मूव करना है दैट इज़ फिंगर डेक्सटेरिटी कि बिना सोचे समझे फिंगर्स अपना टास्क कर पाए और फॉर uh, एग्जांपल हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं या फिर वन टू थ्री फोर तो दिस इज फिंगर डेक्सटैरिटी कि आपने इंस्टेंटली वन बोला और बच्चा इसको ऐसे कर रहा है थ्री बोला, बोला ऐसे कर रहा है फोर बोला ऐसे कर रहा है दिस इज फिंगर डेक्सटैरिटी कि राइट प्लेस राइट टाइम एंड राइट एक्शन इज परफॉर्म्ड विदाउट थिंकिंग तो उसको कन्फ्यूजन ना रहे कि कैसे करना है उस और साथ ही साथ इस पर हम लोग वर्क करते हैं इन मसल्स को टोन अप करने के लिए तो दिस इज फिंगर डेक्सटैरिटी तो अब इस पर हम लोग काम करेंगे तो बच्चे की बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और फाइन मोटर स्किल्स अच्छी होंगी और बच्चा अपनी फिंगर्स को मैनुपलेट कर पाएगा जिसकी वजह से सभी टास्क उसके लिए ईजी हो जाएंगे फाइन मोटर स्किल्स के सभी टास्क उसके लिए ईजी हो जाएंगे तो सबसे पहले हमें जो एक्सरसाइजेस करनी है फिंगर डेक्सटैरिटी के लिए दैट इज लाइक दिस वा मतलब फाइव टाइम्स उसको ऐसे मूव करने के लिए कहना है ऑल दिस इज़ फिंगर डस्टारिटी एक्सरसाइज देखिए कन्फ्यूजन है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है ये ठीक है दोनों हैंड से करवाएंगे तो बहुत अच्छा है तो फिंगर्स की एक्सरसाइज हो रही है और बच्चे की डेक्सटरिटी इम्प्रूव होगी तो और बहुत सारी एक्सरसाइज है जो मैं कृष्णव के साथ परफॉर्म करती हूँ मैं आज वो आपके साथ शेयर करूँगी सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द वीडियो फर्स्ट एक्टिविटी की हम फिंगर को प्रैक्टिस दे रहे हैं फिंगर डेक्सटेरिटी के लिए अगर मैं वन बोल रही हूँ तो कैसे वन फिंगर शो करना है कैसे टू फिंगर शो करना है कैसे थ्री फिंगर शो करना है तो दिस इज समथिंग जो बच्चों को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है टू शो द जेस्चर्स कि जेस्चर्स कैसे शो करने हैं और इससे फिंगर डेक्सटेरिटी भी इम्प्रूव होगी द नेक्स्ट एक्शन आई एम शोइंग इज ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल देन थम्स अप थम्स डाउन थम्स अप थम्स डाउन ये सब जेस्चर्स हमें हैंड पकड़ के कराने हैं अगर बच्चा सही से नहीं कर पा रहा है ताकि उसकी फिंगर डेक्सटैरिटी इंप्रूव हो और जेस्चर्स इंप्रूव हो दिस इज़ अ ब्रेन जिम एक्टिविटी इसमें जो है फिंगर का मैनुपलेसन है दोनों हैंड्स पे कि एक बार टू करना है फिंगर और एक बार वन करना है तो राइट right प्लेस पे राइट right टाइम पे ऑन द इंस्टेंट मोमेंट कैसे फिंगर्स को मैनुपलेट करना है दिस इज फिंगर डेक्सटैरिटी तो इस एक्सरसाइज इस ब्रेन जिम एक्टिविटी से हम उस पर काम कर रहे हैं नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स कि फिंगर से इस तरह से बॉल को रोल करना है तो इससे फिंगर डेक्सटेरिटी इम्प्रूव होती है नेक्स्ट एक्सरसाइज कि पेंसिल को एक टिप से पकड़ा और दूसरे एंड तक बच्चे को फिंगर के थ्रू मूव करते हुए लेकर आना है दिस इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज एंड अ ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो नेक्स्ट एक्सरसाइज बच्चे को मुट्ठी बंद करनी है अब एक एक करके फिंगर्स को इस तरह से ओपन करना है दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी साइमल्टेनियसली दोनों हैंड्स का जब हम मूवमेंट कराएंगे तो ये बहुत अच्छी जिम एक्टिविटी भी रहती है नेक्स्ट एक्सरसाइज कि कोई भी स्टिक लिया या कोई भी पेन लिया और उसको इस तरह से फिंगर की हेल्प से रोटेट करना है रोल करना है नेक्स्ट एक्सरसाइज़ बोल को फिंगर की हेल्प से रोटेट करना है इस तरह से तो ये भी बहुत अच्छी फिंगर डेक्सटेरिटी एक्टिविटी रहती है और बचपन में हम सबने लट्टू चलाए हैं हैंड से हम लोग फिंगर से रोटेट करते थे और लट्टू जो टॉप हम लोग बोलते हैं वो घुमाते थे तो वो भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी रहती है जब हम फिंगर डेक्सटैरिटी पर काम कर रहे हो नेक्स्ट एक्टिविटी कि कोई भी हम लोगों ने जो है स्क्वीज़ बॉल लिया और उसको बच्चे को फिंगर से थम से स्क्वीज़ करने को कहना है तो ये बहुत अच्छी सेंसरी एक्टिविटी भी रहती है और सेंसरी uh, ब्रेक के लिए भी हम लोग एक्टिविटीज़ के बीच में यूज़ करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंटी बंटी जो बचपन में मैंने तो बहुत खेला है पहले मिडल फिंगर को जो है अपनी इंडेक्स फिंगर के ऊपर करना है फिर इंडेक्स फिंगर फिंगर को मिडल फिंगर के ऊपर लेकर आना है तो इससे भी फिंगर डेक्सटेरिटी बहुत अच्छी होती है और साथ ही साथ इस एक्सरसाइज से इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से पेंसिल ग्रिप अच्छी होती है नेक्स्ट एक्टिविटी शेक हैंड जो हम लोगों ने बहुत प्ले किया है दो फिंगर्स को फोल्ड करना है बीच वाली फिंगर्स को और इस तरह से शेक हैंड करना है बच्चा इनिशियली नहीं कर पाएगा क्योंकि उनको फिंगर टेक्सटेरिटी नहीं है और उनकी फिंगर की मूवमेंट्स इतनी नहीं है तो हमें हैंड पकड़ के उनसे कराना है जब आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे थ्री डेज फोर डेज वन वीक तो उनकी फिंगर डेक्सटेरिटी इंप्रूव होगी दे विल गेट द फ्लो क्योंकि उनकी जो ग्रोस मोटर प्लानिंग है वो ब्रेन में जा चुकी होगी और फिर बाद में उनकी फिंगर मैनुपुलेशन इंप्रूव हो जाएगी तो प्रैक्टिस इट डेली बहुत अच्छी रहती है नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ फिंगर वॉकिंग टू फिंगर्स लेना है और इस तरह से टेबल पे वॉक करवाना है टेबल पे करा सकते हैं हम लोग वॉल पे भी करा सकते हैं ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज रहती है टू इंप्रूव फिंगर डेक्सटेरिटी नाउ दिस इज़ अ ब्रेन जिम एक्टिविटी इसमें मैंने क्या किया क्योंकि बच्चे से कराना थोड़ा सा मुश्किल है उनकी अंडरस्टैंडिंग कम होती है मैंने इस पर हैंड पे नंबर दे दिया है वन टू थ्री फोर फाइव अब मुझे इंडिविजुअल मूवमेंट कराना है लाइक थम थम एंड इंडेक्स फिंगर तो दोनों हैंड का इंडेक्स फिंगर मिडल फिंगर तो दोनों हैंड का मिडल फिंगर तो इस तरह से हैंड पकड़ के पहले हम लोगों को कराना है सो so दैट उसको समझ में आए कि करना कैसे है और फिंगर को कैसे वन बाय वन कि मैं अगर टू नंबर की फिंगर को उठाना है तो सिर्फ़ टू को ही उठाऊं थ्री को उठाना है तो थ्री को ही उठाऊं ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी और इस तरह से जब आप करेंगे रूटीन में डेली तो वो ब्रेन जिम एक्टिविटी भी कवर हो जाएगी तो आई होप दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज एक्चुअली ब्रेन जिम भी है फिंगर डेक्सटेरिटी भी है और बच्चे का बहुत ब्रेन शार्प होता है इससे नेक्स्ट इज ऑल्सो ए ब्रेन जिम एक्टिविटी इसमें मैंने फ्रंट में नंबर्स दे दिए हैं अब इसको टर्न बाय टर्न फिंगर्स को टच करना है विद द थार्म और दोनों हैंड्स का साइमल्टेनियस मूवमेंट होना चाहिए तो ये ब्रेन जिम के साथ साथ फिंगर डेक्सटेरिटी है अब मैंने इंस्ट्रक्ट किया वन तो वो दोनों वन फिंगर को टच करेगा सेकेंड नंबर थर्ड नंबर फोर्थ नंबर तो ये एक्टिविटी एक बहुत अच्छी अटेंशन बूस्टिंग एक्टिविटी रहती है क्योंकि बच्चे को मैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इंस्ट्रक्ट करूँगी टच टू टच थ्री और दोनों हैंड्स साइमल्टेनियस मूवमेंट्स करने हैं तो बच्चे का ब्रेन जिम एक्टिविटी भी, भी कवर हो रहा है साथ ही साथ ये वाला एक्टिविटी जो है ये प्रमेटिव रिफ्लेक्स थेरेपी में भी हम लोग यूज करते हैं सो दिस इज़ अ वेरी गुड एक्टिविटी तो इस तरह से ये मैंने थर्टीन फिंगर डेक्सटेरिटी एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर की हैं एक्टिविटीज शेयर करी हैं जिसमें बहुत सारी ब्रेन जिम एक्टिविटीज भी कवर हो जाती हैं तो देखिए इनिशियली जब हम बच्चों के साथ करेंगे तो उनको नहीं आएगा कि वन कैसे बनाना है ये भी नहीं आएगा तो इट्स लाइक like मैं कृष्ण के साथ एक साल से ये चीज़ कर रही हूँ तो ही नोज वन टू थ्री अब ये जो ब्रेन जिम वाला है ये मैं लास्ट वन मंथ से कर रही हूँ कि दोनों फिंगर्स को ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे क्योंकि उसकी फिंगर टेक्सचरिटी अब काफ़ी इंप्रूव हो गई है तो अब मैं ये कर रही हूँ तो इनिशियली जो है आप इजी इजी एक्टिविटीज़ से स्टार्ट कीजिए कि वन टू सिंपल सिंपल ब्रेन जिम एक्टिविटीज़ सिंपल सिंपल फिंगर डेक्सचरिटी एक्टिविटीज़ जब वो परफॉर्म करने लगे तो उसके बाद टफ़ वन पे जाएंगे हम लोग ठीक है एक बार मैं फिंगर डेक्सटेरिटी की एक्सरसाइजेस की बात करूं क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम मैं आ, कैसे उस पर काम करूं या फिर कितनी एक्टिविटीज़ एक बार में कराऊं तो देखिए दो या तीन एक्टिविटीज़ मोर देन एनफ अगर आपने सपोज कीजिए एक पेन के साथ ही स्टार्ट किया है कि आपने ऐसे 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 करवाना स्टार्ट किया है तो बस एक पेन ऑब्जेक्ट लिया और उससे रोटेट करा दिया दैट्स इट उसको ऐसे 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 आप उसको रोल करने के लिए दे सकते हैं हार्डली टेक्स वन और टू मिनट्स इनिशियली जब हम लोग सिंपल एक्टिविटीज की बात करें टेक वन ऑब्जेक्ट अगर आपने बॉल लिया तो बॉल को ऐसे मूव करवाया ऐसे प्रेस करवा दिया ठीक है फिंगर पे वॉल पे रोल करवा दिया उसको फिंगर से तो ये सिंपल सिंपल एक्टिविटीज और एक्सरसाइजेज रहती हैं वन टाइम में वन ऑब्जेक्ट लेके आप कराइए जब बच्चा उसमें इंप्रूव हो जाए तो आगे बढ़ते चले जाइए अब ये वाला एक्टिविटी है वन बनाओ टू बनाओ थ्री बनाओ जरूरी नहीं है कि हम थेरेपी कर रहे हैं उसी टाइम हम लोगों ने कराना है अब रात को हम लोग बैठे हैं सारा काम हो गया है ओके शो मी वन लेट्स मेक वन 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 आई यूज टू सिंग लाइक दिस दिसक इट वन जब हम कोई भी चीज़ को फन एक्टिविटी में रिलेट कर देते हैं उसको फन में कन्वर्ट करते हैं तो बच्चे को ऐसे नहीं लगता कि मेरे को सिखाया जा रहा है दे थिंक कि इट्स अ प्ले एंड आई हैव टू डू इट मुझे भी मज़ा आने वाला है वन 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 टू 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 तो लुक इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी वन इज़ की फिंगर डेक्सटैरिटी जेस्चर्स द सेकेंड थिंग इज काउंटिंग ठीक है अब उसको वन टू थ्री फोर इस सॉन्ग से मैंने उसको कराया था और फिं, फिंगर जेस्टर्स पे और डेक्सटरेटी पे हमने काम किया और सबसे ज़्यादा अच्छा था कि सिंगिंग है तो वो स्पीच में भी काम करते हैं बिकॉज दे वांट टू सिंग विद यू ठीक है जब आप रेगुलरली इसको सिंग करेंगे आई यूज टू क्लीन माई बाथरूम आई यूज टू डू डस्टिंग एंड फिर मैं उस इस गाने को गाती रहती थी वो मेरे आसपास होता था तो उसके कानों में जाता था एंड ही यूज टू लिसन मी एन्जॉय माय वर्क और फिर उसको भी रहता था कि मैं भी करूँ मम्मी के साथ तो इस तरह से जब हम फन वे में किसी एक्टिविटी को कराएंगे तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट शो करेगा और आपको मेहनत कम करनी पड़ेगी उसको प्रेशराइज़ करेंगे तो वो भाग जाएगा लेकिन जब आप उसको प्ले वे में कराएंगे तो वो आपके पास आएगा एंड जब भी वो करे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों को पॉजिटिव री देना ये वेरी गुड लेट्स डू इट अगेन तो इस तरह से जब हम इस तरह से एक्टिविटीज को कराएंगे तो बच्चे आ, आपके साथ कोऑपरेट भी करेंगे तो आई आई रियली थिंक कि फिंगर डेक्सटेरिटी बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता था कि कैसे करना है कैसे आना चाहिए और कैसे कराना चाहिए एंड बिलीव मी जब आप हाँ फिंगर डेक्सटेरिटी पे काम करेंगे द मेन मकसद जो हम सब पेरेंट्स का रहता है इट्स एकेडमिक कि मेरा बच्चा अच्छे से पेंटिंग करे ड्राइंग करे और लिखे लिखना सीख जाए पेंसिल ग्रिप तो जब हम फिंगर डेक्सटैरिटी पे काम करते हैं तो बच्चे की पेंसिल ग्रिपिंग अच्छी होती है हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है और वो विलिंगली फिर उस चीज में पार्टिसिपेट भी करते हैं तो फिंगर डेक्सटैरिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एक्टिविटीज आप फॉलो कीजिए एंड आपको रियली बहुत बेनिफिट मिलने वाला है सो कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग कीप शेयरिंग एंड कीप कमेंटिंग कमेंट्स जरूर कीजिए कि येस वेदर यू आर फॉलोइंग एक्टिविटीज़ आपने फॉलो किया क्या उससे प्रॉब्लम्स आई फॉलो करते हुए और क्या आपको बेनिफिट्स मिले ताकि हम पॉजिटिविटी स्प्रेड कर पाए और पेरेंट्स को भी बता पाएं येस द थिंग्स आर वर्किंग देखिए हम थेरेपी में इतना पैसा डालते हैं वी बिलीव दैम एंड इवन आई बिलीव दैम दे आर ट्रेन प्रोफेशनल्स आई एम नॉट एनी ट्रेनड प्रोफेशनल बट येस आई एम ट्राइंग टू टेल यू जो मैं कर रही हूँ घर पे बिकॉज आई एम सीइंग बेनिफिट्स मुझे उससे बेनिफिट मिल रहे हैं एंड और पॉजिटिव वे में मेरे को अच्छा लग रहा है कि मेरी भी नॉलेज बढ़ रही है कि बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है अब तो वो चीज़ हम लोग जब शेयर करेंगे तो दूसरे पेरेंट्स को भी हेल्प मिलेगी थैंक यू सो मच